माँ के साथ ही घर जाऊंगी। आलिया भाभी के घर जाके मुझे बहुत स्ट्रेस होता। कोई बात नहीं कबीर, और देखो ना, बात तो एक ही है, कहीं भी रहे बस ख्याल रखने वाले होने चाहिए इसके पास। तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सिर्फ एक रात की बात है, हम लोग कल सुबह तुम्हें यहाँ से निकलवा दें, तुम्हारी बेल मूव कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल सुबह यू विल बी आउट। लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, हम हैं ना। हिम्मत रखनी, ओके, संभाल लेंगे हम सब। मुझे सबकी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी मैं उन्हें कॉल क्यों करूंगी, ये सब मैस क्रिएट जो उन्होंने किया है, कि उनको मुझे फोन करके माफी मांगनी चाहिए। हमारा अबाई घर है यार, इसमें पले बड़े, इतनी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ। तो आखिर इस क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। जानती हूँ फैसला मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं नजर आ रहा। लोन के लिए अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया, नया इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा। ओके, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए ना पीर ने बहुत मेहनत की है, और अगर आज हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो जिंदगी भर ये गिल्ट रहेगा कि शायद उस वक्त उसकी मदद करती होती तो आज सब कुछ ठीक होता। कबीर ने तो बिल्कुल ही आस छोड़ दी है, लेकिन हमें उसकी आस को टूटने नहीं देना। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा, बताएं ना। कंपनी ख़त्म हो गई तो कबीर के सारे हाथ टूट जाएंगे, फिर हम ये घर रख के क्या करेंगे। आप ही इन रेत और पत्थर की दीवारों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देने की बातें करते थे, मैं भूल गए क्या? आलिया मुझे एक बात बताओ, let's say and God forbid, अगर हम लोग लोन रीपे नहीं कर पाते तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई छोटा घर रेंट आउट कर लेंगे जो आपकी सैलरी में अफोर्डेबल भी हो। देखिए गुजारा ही करना है ना, वो तो कहीं भी कर लेंगे। वैसे भी यादें तो हमारे दिलों में होती हैं, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ ही जाएंगे ना। ठाकुर, रिश्ते एहसास की डोर से बुने होते हैं, अगर एक दूसरे का एहसास ही नहीं फिर कैसे रिश्ते। प्लीज ठाकुर, ना बड़ा बिजनेस से वाइंड अप करने में टाइम तो लगेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी ये वक्त गुजर जाए मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। शादी के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और मैं भी वापस आ जाओ ना, जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको आजमाते नहीं हैं। मैं कैसे आ जाऊं नवाल, इतना बड़ा एस्टैब्लिश बिजनेस है मेरा, मैं इस तरह वाइंड अप करके नहीं आऊंगा। तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेती, हम दोनों यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। खुशी का ताल्लुक पैसों से नहीं है हमजा, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे, अब तुम मुकर गए उस वादे से। क्या मैं तुम्हें इतना फीलिंगलेस इंसान नजर आता हूँ? नवाल मुझे बिल्कुल एहसास है तुम्हारी फीलिंग्स का। हमजा अगर तुमने वापस नहीं आना तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अजियत में नहीं रह सकती इस तरह, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बस एक दफा बता तो दो मुझे। हेलो, हमजा बेटा उस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? नाजिश और मैं तो वापस नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना। क्या बात है भाभी, सब खैरियत है? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया कबीर?
देखो कंपनी के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, वर्कर्स को हम सैलरी दे नहीं पा रहे, बाकी अखराजात के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब देखो इन सारे मामलों से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। लोन भी रिजेक्ट हो गया ना, वरना कंपनी के हालात कुछ तो बेहतर हो ही जाते। कम अज कम 10 करोड़ चाहिए, तभी हम इन सारे मामलों से निकल पाएंगे। भाभी 10 करोड़ इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, और इतनी जल्दी इस रकम का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। कहाँ से होगा, कैसे होगा? मैं जानती हूँ आसान नहीं है, इसलिए मैंने और तौकीर ने फैसला किया है कि हम ये घर मॉर्गेज कर रहे हैं। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? सिर्फ 10 साल के बाद। रकम इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि हम सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। हाँ, लेकिन इतना वक्त जरूर मिल जाएगा कि उस दौरान हम कुछ और सोच लें। भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती, और भाई आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? ये हमारा आबाई घर है, हमारी सारी जिंदगी गुजरी है यहाँ पे, ऐसे कैसे किसी और को सौंप देंगे? कबीर, तौकीर को ना कोई एतराज नहीं है। यार क्या करें, मजबूरी है। अब ये करने से एटलीस्ट हम लोग की कंपनी तो बच जाएगी। भाई ये घर कंपनी से बहुत ज्यादा अहम है, आपको और मुझे बहुत प्यारा है, कितने अरमानों से बनाया था ये घर। मैं इस घर को मॉर्गेज करने के हक में बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा भाई। और भाभी मेरी इज्जत नफ्स को ये गवारा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए आप लोगों को घर से बेघर कर दूं। कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। कुछ ना कुछ हो जाएगा भाभी, लेकिन मैं आपको ये घर मॉर्गेज करने नहीं दूंगा। आपके पहले ही मुझ पर बहुत एहसान आते हैं, अब मैं मजीद आपके एहसानों का बोझ नहीं सह पाऊंगा। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ कभी। इस कंपनी में मेरा भी आधा हिस्सा है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ कंपनी को बचाने के लिए कर रही हूँ। फिर भी भाभी मैं ये घर मॉर्गेज करने नहीं दूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज मुझे मेरी नजरों में और मत गिराएं। अम्मी जी, आप कहीं जा रही है? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों? मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और तुम डिनर पे। हाँ डिनर पे? मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल रिजर्व करवाई है, सरप्राइज डिनर है तुम्हारे। कैसा सरप्राइज? भाई अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा थोड़ा सा तो हिंट दे दें, कोई मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। थोड़ी देर की तो बात है, पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। लेकिन वैसे सच में आलिया भाभी ने इतनी दानिशमंदाना बात की है, मुझे तो लगता है आप दिन कभी कभी फिजूल में जज्बाती हो जाते हैं। बस कर दो फलक, इसमें कौन सी दानिशमंदी है? तुम्हें अंदाजा है कि उस घर से मेरी कितनी अटैचमेंट है? तो वो कौन सा घर बेचने का कह रही हैं? वो तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि गिरवी रख देते, बड़ा घर है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और जब कंपनी के हालात ठीक हो जाएंगे तो हम पैसे देकर घर वापस ले लेंगे। फलक चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, चाहे कंपनी बंद हो जाए, लेकिन वो घर मैं किसी को नहीं दूंगा, वो मेरी रूह का हिस्सा है। ऐसा करते हैं कि इस फ्लैट को मॉर्गेज कर देते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, कैसा रहेगा? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। शी क्या कह रहे हैं आप, बात उस घर की हो रही है ना, तो ये घर बीच में कहां से आ गया? इस अपार्टमेंट में तुम्हें आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हो, और तुम्हारी इतनी अटैचमेंट हो गई इस फ्लैट से, और तुम चाहती हो कि मैं वो घर गिरवी रख दूं जिसमें मेरे वालदैन की जिंदगी गुजरी है, मेरा बचपन गुजरा है। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा फलक, यादों को कौन गिरवी रख। दुनिया का सबसे बेहिस इंसान होगा वो जैसा करने का सोचेगा।
हेलो हमसा तुम? हाँ मैं। तो ये था तुम्हारा और अम्मी का प्लान? मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कि आए क्यों? वही रहते हैं ना, अपना बिजनेस करते, अपनी जिंदगी एंजॉय करते। तुम्हारे बगैर मैं कहीं रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम हो तो जिंदगी है, तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं। पर तुम ही कह रही थी ना कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही, तो आ गया। और वैसे भी तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया, पर मैं ना हूं, ना बेहिस तो नहीं। बाय द वे, प्यारी लग रही है। नहीं मैं तुमसे नाराज। तो नाराज होकर तो और भी प्यारी लगती हो ना। क्या है यार, मैं तुमसे बात करूं और तुम उधर देख रहे हो। तुम मुझे पहले बता देती, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मैं आता ही नहीं। बल्कि एक काम करता हूं, मैं ना कल की टिकट करा लेता हूं और वापस चला जाता हूं। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है, सोचना भी मत। वापस जाओगे ना तो ये समझ लो कि मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि अब कहीं गया ना तो तुम्हें साथ लेके जाऊं। अच्छा ना, मजाक कर रहा हूं। बहुत बुरा हूं ना, बहुत तंग करता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करूं, शादी के बाद तुम्हें इतना ही खुश रखूंगा। ये तो मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर ये क्यों कहा कि मैं ख्वाबों के लिए मोहब्बत को छोड़ दूंगा? एक बात अच्छी तरह याद रखना नवा, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा साथ चलने वालों में से, छोड़ के जाने वालों में से भी। कबीर, मेरी गाड़ी बहुत तंग कर रही है, इस एक हफ्ते में 3 बार खराब हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि अगर गाड़ी चेंज कर लें तो। फलक कंपनी के हालात तुम्हारे सामने, अभी हम नई गाड़ी नहीं ले सकते। जब से शादी हुई है यही गाड़ी है मेरे पास, चेंज ही नहीं की। अब कंपनी में इतने पैसे तो होंगे कि हमें गाड़ी ले लें। फलक, अगर अकाउंट में इतने पैसे होते तो वर्कर्स को सैलरी ना दे देते। और वैसे भी अब तुम गाड़ी कम चलाया करो, कम इस्तेमाल किया करो, घर के बजट को कंट्रोल करो। 24 घंटे कमरे का एसी चलता रहता है, दरवाजा खुला रहता है, जब सोना हुआ करे तब एसी चलाया करो। और सारा दिन मैं गर्मी में जलती रहा कर, हद करते आप भी कबीर। देखो फलक, मामलात मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, और हो सकता है कि हमें इन आसाइशों के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़े। इसीलिए अपने आप को इस सबका आदि कर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कबीर मुझसे कह रहे थे कि फलक आदत डालो इन लग्जरीज के बगैर रहने की। मैं तो रह ही लूंगी, मगर जब जब अपनी बेटी का सोचती हूँ मैं डर जाती हूँ। वो इस माहौल में कैसे बड़ी होगी? उसके लिए कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या मेरी तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारेगी? अच्छा सो तुम परेशान मत हो, इधर आओ एक सेकंड मेरे साथ बैठे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फलक मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र है, इल्हाम की। उसके लिए कुछ सेविंग्स नहीं है, हमारे पास जो है बस वो एक कंपनी। अगर वो भी बंद हो गई तो क्या करेंगे, कैसे गुजारा होगा? फलक हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखो कबीर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
नवाल अभी आप हमारी मदद कर सकती हैं। वो आपका प्लॉट है ना हजार गज वाला, वो अगर आप वो बेच कर हमें पैसे दे देंगी तो आई प्रॉमिस जैसे ही कंपनी के हालात बेहतर होंगे मैं और कबीर आपको सारी रकम वापस कर देंगे, आई प्रॉमिस। मुझे पता ये आसान नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है वो, आप भी तो देखें ना मम्मा ने मेरी शादी कितनी जल्दी कर दी, यही मुझे भी इंडिपेंडेंट होने दिया होता, अपने पैरों पर खड़ा होने दिया होता तो आज यूं किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आती। बहुत मजबूर होकर आपसे कह रही हूं, अगर मुश्किल है तो रहने दे। मुझे पता है आपकी सगी बहन नहीं हूं ना, वरना तो आप एक बार भी ना सोचती फौरन से हाँ कर देती। आपकी सगी बहन नहीं हूं ना, इसीलिए मुश्किल है ऐसा फैसला करना। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरा दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन ही माना है। फिर कह रहे थे कि 10 करोड़ चाहिए टिको स्टेबल करने के लिए, से आगे ये पैसे कुछ बता दी, क्या होगा मेरी बच्ची का, उसका फ्यूचर कैसे होगा सब। हाँ उनके लिए मैं उसे देखती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कबीर मुझसे कह रहे थे कि फलक आकर डाल इन लक्जरीज के बगैर रहने, मैं तो रह ही लूंगी। मैं जब जब अपनी बेटी का सोचती हूँ मैं डर जाती हूँ, वो इस माहौल में कैसे बड़ी होगी, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। कि सगी बहन होती तो फट से हाँ कह देती, सुतेली हूँ ना इसीलिए मुश्किल हो रहा। आप क्यों देंगे मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, साहब जी इसे मुझे दे दें, ये दूध पी के सो जाएगी। जाओ आ जाओ दूध पी, आ जाओ दूध ले रही दूध पी। अरे कबीर आप आज जल्दी आ गए ऑफिस से, कहाँ थी तुम? मैं किसी काम से बाहर गई थी, क्यों क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा है कि इल्हाम कितना रो रही थी, भूख लग रही थी उसे, वो ढूंढ रही थी तुम्हें। हाँ तो मुलाजिमा है, उसे कह देते दूध पिला देती। फलक इल्हाम का ख्याल रखना मुलाजिमा की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कभी कभार तो जाती हूँ, अब उस पे भी आपको मसला है, क्या चाहते हैं आप, मजदूर बन के इस घर में पड़ी रहूं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अलग रहने के खिलाफ था। आप बार बार मुझे ताने क्यों देते हैं, जैसे जबरदस्ती पकड़ के मैं आपको इस घर में ले आई हूँ। हाँ जबरदस्ती है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उस घर से जिंदगी भर ना आता। कबीर ये कोई आपका बिजनेस एसेट नहीं है, घर है मेरा, कैसे बेच सकते हैं आप? और उसके बाद सोचा है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? साथिया, साथिया।
क्या सोच रहे हो? फलक के रवैये को लेकर परेशान। अब क्या कर दिया उसने? भाभी वो इल्हाम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। एक माँ को जैसे अपने बच्चे की फिक्र होती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। पहला बेबी है ना, आदत नहीं होगी उसे, थोड़ा सा वक्त तो हो जाएगी आदत। और कितना वक्त चाहिए उसे? आप भी तो हफ्सा का इतना ख्याल रखती हैं ना, बिजनेस वुमन होने के साथ साथ घर भी मैनेज करती हैं। शायद हर लड़की की नेचर डिफरेंट होती है, फलक की नेचर थोड़ी अलग है, तुमने भी ये महसूस तो किया ही होगा। थोड़ी अलग है, बहुत अलग। उसे घर की फिक्र ही नहीं है, मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं है। बस उसे चाहिए बाहर घूमना फिरना, पार्टियां करना। और भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट अब तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मैं तो चाहती थी तुम लोग यहाँ से ना जाओ, हम साथ होते तो इल्हाम की भी प्रॉपर केयर होती रहती। तो थोड़ा प्यार से मोहब्बत से समझाओ, आई एम श्योर समझ जाएगी। आई विश। हाँ फलक। अस्सलाम वालेकुम नवाल, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इल्हाम कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इल्हाम भी बिल्कुल ठीक है। फलक मैंने रियल एस्टेट वाले को बोल दिया है, कुछ दिन लगेंगे, इंशाल्लाह प्लॉट बिक जाएगा। थैंक यू सो मच नवाल, आपकी जगह मेरी कोई सगी बहन भी होती ना, वो भी इतना ना करती जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। आपका एहसान ही तो है, वरना आजकल के दौर में कोई किसी के लिए क्यों इतना करेगा। फिर से वही बात है। अच्छा ना, ऐसे ही कह रही थी। नाराज मत हो आप मुझसे, मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दे। कहाँ रखती मैंने फाड़ी? हाँ याद आया, फाइल तो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी अपार्टमेंट की, प्लीज वो फाइल मुझे दे। अपार्टमेंट की फाइल? वो क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मैं ये अपार्टमेंट बेच रहा हूँ। क्या अपार्टमेंट बेच रहे, क्यों? फलक मुझे पैसों की जरूरत है इसीलिए, और वैसे भी एसेट्स होते ही इसीलिए कि आप बुरे वक्त में उन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सके। कबीर ये कोई आपका बिजनेस एसेट नहीं है, घर है मेरा, कैसे बेच सकते हैं आप? और उसके बाद सोचा है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हम वापस उसी घर में जाएंगे जहाँ से आए थे। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं वापस उस घर में जाऊंगी? क्या प्रॉब्लम है उस घर में वापस जाने में? फलक उस घर में वापस जाना हमारी मजबूरी है, और अगर तुम मुझसे ये कहोगी कि हम कोई और अपार्टमेंट रेंट आउट कर लें तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और प्लीज मेरे लिए आप कोई मैस क्रिएट मत करना। मैं मैस क्रिएट करी हूँ मैं? और आप क्या करते हैं, आकर हुक्म सादिर कर देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, मुझे कुछ बताना गवारा ही नहीं करते आप। कबीर मैं कोई नौकर नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ, और इख्तलाफ राय का हक है मुझे। और अगर इतना ही मसला ना तो आलिया भाभी से कहें वो घर बेच दें, घर बड़ा भी और उसकी रकम भी अच्छी मिलेगी, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अलग पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम जानती हो कि उस घर से हमारी कितनी अटैचमेंट है, हमारा हवाई घर है वो, मैं उस घर को मॉर्गेज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और तुम कह रही हो उस घर को बेच दे? जो करना है करे, वो घर नहीं बेचना मत बेचे, मगर मैं अपना घर बेचने नहीं दूंगी।
पलक, तुम यहाँ आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बात करने आई हूँ आपसे। बोल क्या बात। आपने कहा है ना कबीर से अपार्टमेंट बेचने के लिए। क्या वो अपार्टमेंट बेच रहा है? इतनी मासूम ना बने, कबीर नहीं जानता लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती। उस दिन भी मॉर्गेज वाला मशवरा आपने ही दिया था ना उसको, आप तो जानती थी वो ये मानेगा नहीं, तो फिर आपने चालाकी से कबीर के दिमाग में डाल दी कि अपार्टमेंट बेच दे। वाह लिया भाभी वाह, आप तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हमें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सब जानती हूँ, जिस दिन से मैं इस घर से कबीर को लेकर गई हूँ ना, आप चाहती हैं कि हम वापस आ जाए और मेरा सर आपके सामने झुक जाए। अगर आप ऐसा सोचती हैं ना तो भूल आप, मैं आपसे हार नहीं मानूंगी। छत्तर सारा है तो तुम्हारे दिल में इतनी बदगुमानी, मैं अपने कदमों में झुकाकर या नीचा दिखाकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे लगता था कबीर की मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन शायद तुम सारी जिंदगी नहीं बदल सकती। मेरे बदलने को छोड़ दे, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहूंगी जैसी मैं हूं। आप हम पे तरस खाने के बजाय एक एहसान क्यों नहीं करती? ये घर बेच दे, बड़ा है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे और आपके कारोबार के सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या हुआ, चुप लग गई? उस दिन तो बड़े बड़े दावे करी थे, एहसान करी थी हम पे, मैं घर गिरवी रख दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अब आपको सैमसंग गया। आप जानती हैं मुझे, इसीलिए जिस तरह से कबीर को कायल किया है ना आपने अपार्टमेंट बेचने के लिए, उसी तरह मना भी कर, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। हो गई है बेबी, ये लगता है इंजन सीज हो गया गाड़ी का, वर्कशॉप ले जानी पड़ेगी। तो घर से देखकर या चेक करके नहीं निकलते हो? बेबी जी आप कोई और कैब करने। कितने पैसे हुए हैं? जो मर्जी आप दे दें। चलो शुक्रिया। आप यहाँ कैसे, क्या हुआ? हाँ वो कैब खराब हो गई थी, मगर मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया, वो मुझे पिक करने आता ही होगा। अगर आप कहें तो आई विल ड्रॉप यू, कहाँ जाना है? नहीं नहीं आपको तकलीफ होगी, हम आपको जिम्मा दूंगी, ड्राइवर आ रहा है बस। तो तकलीफ कोई बात नहीं है, ड्राइवर पता नहीं कब आए, आई विल ड्रॉप यू। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ठीक है। ना तो पेस कम। आप पाकिस्तान कब आए? बस कुछ ही दिनों। नाज़िश आपके हस्बैंड के सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। अब आप ही और आंटी कैसी हैं? पहले से काफी बेहतर हैं।
तुम बताओ कबीर कैसा है? सुना बिजनेस में काफी लॉस हुआ। जी, आपके शेयर्स निकालने के बाद बिजनेस के हालात काफी खराब हैं। कबीर काफी परेशान है। चाहे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालनी चाहिए थी। वो आपको दोस्त कहते थे, और दोस्ती में कौन ऐसे करता है। एक्चुअली मैं यहाँ पाकिस्तान में अब मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ दिनों में कनाडा मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारा पैसा जो भी इन्वेस्ट किया है वो निकाल रहा हूँ। नमाल, आपको पता है ये बात? हाँ, मैंने उसे बताया। तो क्या कहा उन्होंने? वो कनाडा नहीं जाना चाहती, यहीं पर रहना चाहती। आई थिंक पिछली बार भी आप लोग का ब्रेकअप इसी बात की वजह से हुआ था, राइट? लेकिन पहले सिचुएशन कुछ और थी, अब कुछ और है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं उसे समझाऊंगा तो वो मान जाएगी। आई मस्ट से नवाल, आप ही बहुत लकी हैं। क्या आप जैसा हस्बैंड मिलने वाला है उनको। थैंक यू पलक। ये बस आगे से आप मुझे लेफ्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, वो मुझे मार्केट जाना है, कुछ चीजें लेनी। ओके, हुआ? जी। भाभी, ये चेक कैश करवा लें और वर्कर्स की सैलरी रिलीज कर दें। एडवांस मिला है फ्लैट का। बाकी पेमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह बाकी मामला भी हल हो जाएंगे। एक बात कहूं कबीर, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा गिल्टी सा फील हो रहा है। तुम दोनों ने मिलकर इतने प्यार से वो अपार्टमेंट सेट किया था, अभी तो फलक के चाव भी पूरे नहीं हुए और हमें बेचना पड़ा। आप ज्यादा सोच रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह और दे देगा। कबीर, तुम प्लीज एक बार फलक से बात जरूर कर लेना। अगर वो यहाँ वापस आने के लिए राजी नहीं है तो प्लीज तुम उसे फोर्स मत करना। जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे तुम वहाँ रहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए। भाभी, मैं जहाँ जाकर रहूँगा फलक वहीं रहेगी, क्योंकि फिलहाल हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आप उसकी फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं जानती थी कि ये औरत इतनी खतरनाक है। मैं आपको बता रही हूँ, इसने जानबूझकर मॉर्गेज वाली बात की। उसको पता था कबीर तो कभी भी नहीं मानेंगे कि घर बेच दें। जानती थी ये अपार्टमेंट बेचकर हम कहाँ जाएंगे, उसी जहन्नुम में वापस। इतने दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला। कबीर के इस फैसले ने मेरे सर से छत और पैरों तले जमीन खींच लिया। देखो फलक, मुझे लगता है कि तुम्हें कबीर की बात मान लेनी चाहिए। क्या हो गया आपको, क्या बातें कर रही हैं? इतनी मुश्किल से उस जहन्नुम से निकल कर आई हूँ, आप क्या कहती हैं कि वापस वहां जाके बैठ जाऊं? देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि यही फैसला ठीक होगा। देखो, वहां मुलाजिम है, आलिया है, इल्हाम का ख्याल रखने में तुम्हारी मदद हो जाएगी। राखी नानी, मेरे अपने घर में मेरा जीना जीरन कर दिया, वहां जाकर वो औरत क्या हाल करेगी? यहाँ तो सुकून से रहने नहीं दिया, वहां कैसे रहने देगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तुम जाए कबीर से बात कर लेना, वो खुद हैंडल कर लेंगे। यही तो रोना है नवाल, आप ही मेरा। कबीर को तो जैसे ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है, बस जो आलिया भाभी कह दे वही ठीक है। रोबोट की तरह उनके इशारों पर चलता है, खुद की तो कोई से है ही नहीं उनकी। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, बस फिलहाल तुम दुआ करो कि बिजनेस के हालात ठीक जाए। दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला। कबीर के इस फैसले ने मेरे सर से छत और पैरों तले जमीन खींच ली।
शहरयार साहब अस्सलाम वालेकुम, वो चेक कब तक मिलेगा? मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो चंद दिन में चाहिए होगा। अच्छा आप कोशिश कर लें कि जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। मैं जानती हूँ कंपनी क्राइसिस में है, आप लोगों को ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हो जाएगी। नवाल, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न, आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल। आज के दौर में कौन किसी के लिए इतना सोचता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बीवी की बहन से ये रकम नहीं ले सकता, मेरी खुददारी को ये गवारा नहीं करता। आप प्लीज़ ये वापस ले जाओ। पता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कभी, हम ये नहीं ले सकते कि अभी कंपनी के हालात बेहतर होते हैं या मज़ीद ख़राब, हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए प्लीज़ आप ये वापस रख लें। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। आज के दौर में इतनी बड़ी रकम कौन खुशी से देता है? एंड आई एम श्योर फलक ने आपसे कुछ कहा हो। नहीं, उसने जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन उसने पैसे देने को नहीं कहा था, ये मेरा अपना फैसला है, मैंने बस सोचा था कि मेरे पास है तो क्यों ना अपनी फैमिली की मदद कर लूँ। देखिए, मैं ये फैसला कर चुकी हूँ, चेक वापस नहीं लेके जाऊँगी, तो आप प्लीज़ रख लें। वो देखो नवाल, शायद तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि कंपनी के हालात क्या हो गए, और ये रकम ताना खास्ता अगर ये भी डूब गई तो कहाँ से इतनी बड़ी रकम वापस अदा करेंगे आप? अरे मैं वापस थोड़ी मांगूंगी। आप नहीं मांगेंगी, लेकिन हमारे लिए तो ये कर्जा ही होगा ना, हम किसी के पैसे ऐसे कैसे रख सकते हैं? यू नो कबीर, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, क्या हो गया है आप लोगों को? क्या आप लोग मुझे फैमिली नहीं मानते? देखें, फ़र्ज करें कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, तो इसी तरह से मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मेरी ये दुआ है कि आप कभी इस सिचुएशन में ना आए, और दूसरी बात ये कि आई नो आप हमारे लिए सोच रही हैं, आप इमोशनल हैं, लेकिन चाहे आप कुछ भी कहें, हम ये आपसे नहीं ले सकते। आई एम सो सॉरी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। भाभी, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करें, और थैंक यू सो मच। ओके, यस, बाय। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही थी, बट मैं बस मदद करना चाह रही थी। नहीं नहीं बच्ची, तुम यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा, तुमने कुछ खाया तो है नहीं, बातों में लगे हो, प्लीज़ हैव सम बिस्किट ऑफ पैटीज, मैं और कुछ दूँ तुम्हें? नहीं प्लीज़, दैट्स परफेक्टली फाइन। साथिया तूने धोखा दिया।